तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे हर वीडियो में हम आपको नए नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और आज इसी सीरीज में हम आपको बायोमास पैलेट, सॉडस पैलेट और वुड पैलेट मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपको पता है कि पूरा विश्व जो है फ्यूल की कमी से जूझ रहा है, जिसमें भी मेन अगर फ्यूल की बात करें तो हम कोयले की बात करें, कोयले की कमी से जूझ रहा है और इस कारण से हमारे कई थर्मल प्लांट, कई बड़े पावर प्लांट, कई भट्टियाँ, कई फर्नेसेस बंद होने की कगार पर हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें इनिशिएटिव लेते हुए एक रूल पास किया है जिसके अंतर्गत आपको अपने फ्यूल की रिक्वायरमेंट को कम करना है और उस फ्यूल की रिक्वायरमेंट को आपको बायोमास पैलेट से कन्वर्ट करना है या बायोमास ब्रिकेट से कन्वर्ट करना है। तो कुछ जगह पर तो बायोमास ब्रिकेट काम आ रहा है, लेकिन कुछ भट्टियाँ, जो छोटी भट्टियाँ हैं, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस हैं, वहाँ पर बायोमास पैलेट की रिक्वायरमेंट होगी और वो पैलेट भी आपके 6 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm के पैलेट होंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा तादाद में अब इसकी कंजप्शन आ रही है। अभी NCR में हम लोग जो रेगुलरली फील कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, काफ़ी टन्स में रिक्वायरमेंट आ रही है, कई मेट्रिक टन्स में रिक्वायरमेंट आ रही है और इसी तरह से ये रिक्वायरमेंट पूरे इंडिया में फैलती आ रही है। तो आज हम इसी सीरीज में हमारी बायोमास पैलेट मेकिंग मशीन, कैसे बायोमास पैलेट मेकिंग मशीन से बायोमास बनता है, उस पूरे प्रोसेस को 1-to-1 समझेंगे। इसके लिए क्या रॉ मटेरियल है, कैसे इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, कैसे फाइनल प्रोडक्ट में लाया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम 1-to-1 इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोई भी फ्यूल जैसे कोयला है, लकड़ी है, बायोमास है, पेट्रोल, डीजल, हर की अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, अपनी एक जलने की क्षमता होती है, इसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे अगर हम बात करें तो गैस की जो होती है 11,800 होती है, नेचुरल गैस की 8,800 होती है, कोयले की 3,200 होती है, लकड़ी की 3,000 होती है, यानी इतनी ऊष्मा वो दे सकता है। इसी तरह से अब अगर हम लोग कोयले को या लकड़ी को हम लोग बायोमास पैलेट से चेंज करने जा रहे हैं तो इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बायोमास पैलेट होता है, जो कि बेसिकली सॉडस से बनता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4,200 से 4,500 तक बैठती है। इसी तरह से अगर ये बायोमास पैलेट ग्राउंडनट शेल यानी मूंगफली के छिलके से बनाया जाए तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू वो 4,300 से 4,500 तक बैठती है। इसको अगर मस्टर्ड से बनाया जाए तो 3,500, इसको अगर सोयाबीन के हस से बनाया जाए तो 3,500 और अगर इसको प्योर फॉर्म में सॉडस से बनाया जाए तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4,200 से 4,300-4,400 तक बैठती है। तो आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा बल्क में जो रिक्वायरमेंट आ रही है पूरे इंडिया से, वो है सॉडस्ट से बनने वाले पैलेट की। अब सॉडस आखिर क्या होता है? सॉडस हम बोलते हैं नॉर्मली किसी भी शहर के अंदर जब हम लोग देखते हैं जो लकड़ी चीरने के प्लांट होते हैं, जिनको हम लोग नॉर्मली आरा मिल बोलते हैं या सॉ मिल बोलते हैं, तो सॉ मिल में जब लकड़ी कटती है तो उससे एक डस्ट बनती है, इसको हम बोलते हैं सॉडस्ट। इस डस्ट की एक खूबी होती है कि ये ज्वलनशील होती है, काफ़ी तेज़ मात्रा में जलती है, यानी कि बारूद के समान जलने योग्य होती है। तो ऐसी सॉडस्ट को आसानी से पैलेट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है और उससे पैलेट बना सकते हैं। आखिर सॉडस में क्या दिक्कत है, सॉडस को डायरेक्ट क्यों जला सकते हैं? तो सॉडस को डायरेक्ट भी चला सकते हैं, लेकिन सॉडस क्योंकि बहुत लाइट इन वेट होती है इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है। दूसरी चीज़, फ्लेमेबल होती है यानी स्टोरेज अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को एक फॉर्म में लाने के लिए, ताकि सॉडस को आसानी से कन्वे किया जा सके और उसका पैलेट को आसानी से कन्वे किया जा सके, उसको पैलेट के रूप में लाया गया। उसमें भी मोस्टली जो भट्टियाँ हैं उनके अंदर 6 mm, 8 mm के पैलेट जलते हैं, तो 6 mm, 8 mm को जो पैलेट हैं वो काफ़ी रिक्वायरमेंट रहते हैं, जो सॉडस के बनने वाले पैलेट रहते हैं। अब इनको कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो 1-to-1 अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे इस वीडियो में आगे मेरे साथ। स्टेप्स क्या क्या हैं? तो नंबर 1 स्टेप्स है दोस्तों, प्रोक्योरमेंट ऑफ सॉडस, यानी कि सॉडस को ख़रीदना। अब आप बोलेंगे सॉडस में क्या इसमें कलाकारी खरीदने में? आप दोस्तों जब खरीदने बैठेंगे तो आपको कोई 30% मॉइस्चर का देगा, कोई 40% मॉइस्चर का देगा, लेकिन मशीन में चलने वाली जो मॉइस्चर है वो है 12-15%, यानी आपको इसको ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करने के 2 मेथड हैं। अगर इसको हम सन ड्राई करते हैं तो काफ़ी लंबी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और आप उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट्री का एरिया बढ़ाएंगे तो उसकी कीमत भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कीमत है। इसीलिए एक प्रोसेस हमारा चलता रहे, एक सर्कुलेशन चलता रहे, तो हमने एक ड्रायर ईजाद किया जिसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्रायर। इस फ्लैश ड्रायर के अंदर बेसिकली एक भट्टी से हॉट एयर क्रिएट की जाती है, उस हॉट एयर के साथ में हमारा जब ये सॉडस क्रिएट चलता है तो उसकी जो मॉइस्चर है वो 15-20% तक नीचे हो जाती है, यानी कि वो 15% के आसपास मैनेज हो जाती है। तो सबसे पहले आपको प्रोक्योरमेंट करना है, उसके बाद ड्रायर के द्वारा आपको इसकी मॉइस्चर को मेंटेन करना है, और अगर नेचुरली उसकी मॉइस्चर 10-15% के बीच में आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आप उसको वहाँ तक लेकर आइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम इस ड्राई किए हुए सॉडस के अंदर फिर हम ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल जिसको हम बोलते हैं, या तो बर्न्ट ऑयल ले लीजिए या नया ऑयल ले लीजिए, नया ऑयल मिक्स करते हैं लगभग 3% के आसपास, और उसमें एक बाइंडर के रूप में हम लोग विट फ्लावर या फिर DRB या कोई भी एक बाइंडर
स्टार्च पाउडर बाइंडर डालते हैं 1% के आसपास, और इन तीनों चीज़ों को हम एक मिक्सचर में मिक्स करते हैं। मिक्सचर में हम लोग पूरा बैचिंग सिस्टम से इसको मिक्स करने के बाद में इस मटेरियल को सीधा हम लोग भेजते हैं फिर पैलेटाइजर के अंदर, पैलेट मशीन के अंदर। ये सारा कन्विंग सिस्टम से होता है। पैलेट मशीन के अंदर हम जिस तरह की डाई चाहते हैं, 6 mm की, 8 mm की, 15 mm, 16 mm, 20 mm, उस डाई से हम लोग पैलेट बनाते हैं। यहाँ से निकलने वाले पैलेट जो होते हैं वो हॉट होते हैं, क्योंकि पैलेटाइजर में जब हम देखते हैं कि डाई जब घूमती है उसके ऊपर रोलर जो इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है कि वहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट होता है, उस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए आगे हम लोग एक वाइब्रेटरी कूलर यूज करते हैं, यानी कि वाइब्रेटरी सिस्टम, जिसमें इसकी छनाई हो जाती है और साथ साथ पंखों से कूलिंग हो जाती है। इस तरह से हमारा ये 5 स्टेप के अंदर जो सॉडस्ट है वो पैलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से दोस्तों एक फैक्ट्री के अंदर सॉडस्ट से सॉडस्ट पैलेट का प्रोसेस होता है। अब हम लोग चलेंगे हमारी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर हम लोग कैसे पैलेटाइजर से पैलेट बनता है वो देखेंगे, और उसके बाद में आपको हम और भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पैलेट मशीन पे यह मशीन 500 केजी पर आवर बायोमास पैलेट बना सकती है 6 mm का, और अगर हम 8 mm को बनाएं तो उसमें आराम से 600 केजी तक बन सकता है। तो 1-to-1 हम रूबरी होंगे इस मशीन से। आइए, यह मशीन अभी हमने स्टार्ट की है और हम इसमें सॉडस्ट डाल रहे हैं। ये देखिए, ये इसका सॉडस्ट है, यानी कि आरामिल से आया हुआ पाउडर है। अभी मैं अगर इस प्रोडक्ट की मॉइस्चर देखता हूँ तो इसमें 15% का आसपास मॉइस्चर है। हमें 15% का आसपास मॉइस्चर सेट करनी है और फिर हमको इस पैलेट मशीन में डालना है। इस पैलेट मशीन में अगर आप देखें तो इसमें डाई है, हॉरिजॉन्टल डाई है, और उसके ऊपर रोलर लगे हुए हैं। कितने रोलर की मशीन है ये? 2 रोलर की मशीन है। और अभी आप देख सकते हैं इससे बनने वाले पैलेट की क्वालिटी। बेसिकली ये मशीन का एक फंक्शन है, इसमें जो रोलर होते हैं जब उनके बीच में सॉडस्ट आता है तो ये सॉडस्ट को प्रेस करते हैं, रोलर से निकल के ये डाई के अंदर जाता है। डाई में हमारी जो डाई है 6 mm की लगी हुई है, और डाई से पास होकर के ये हमारा पैलेट जो है इस फॉर्म में यहाँ पर आया। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक बेस्ट क्वालिटी का पैलेट आप देख रहे हैं, ये बन रहा है। ये मशीन बहुत आसान है यूज करने में, एक सिंगल आदमी भी इसको चला सकता है। और जैसा आप देख रहे हैं, अगर ऑटोमेटिक प्लांट में देखें तो हमें इसके पीछे फीडिंग सिस्टम लगाना है, इस फीडिंग सिस्टम से मशीन अपना चलती रहेगी। इस मशीन के अंदर अभी हमने 40 HP की मोटर लगाई हुई है पीछे, और ये इसका गेयर बॉक्स है। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये गेयर बॉक्स है, इसका मेन बॉडी है, ये हॉपर है। ऑटोमेटिक प्लांट के अंदर इसमें पीछे से ऑटोमेटिक मटेरियल आएगा और उससे हम पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देखिए इस मशीन से बनने वाले पैलेट की क्वालिटी। ये पैलेट की क्वालिटी है, तो काफ़ी गर्म है। और जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि सॉडस्ट को यहाँ तक लाने से पहले हमें इसको प्रोसेस करना होता है, उसकी मॉइस्चर कंट्रोल करनी होती है। अभी इस प्रेजेंटली इस सॉडस्ट के अंदर जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर 15% मॉइस्चर है। आप जब मार्केट से सॉडस्ट को लेंगे तो आपको 30% मिलेगा, 40% मॉइस्चर मिलेगा, 50% मिलेगा। तो उसको हमको रिड्यूस करके 15% तक मेंटेन करना है। और अभी हम लोगों ने इस पूरे सॉडस्ट के अंदर जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो डाला हुआ है, और उसके साथ मिक्स करके हम लोग पैलेट बना रहे हैं। तो ये जो पैलेट बन रहे हैं इनकी कैलोरी वाली बहुत ही अच्छी है, हम लोग खुद ने टेस्ट किया हुआ है, और ये 4200 से 4300 तक की कैलोरी आसान से आ रही है। हमारे कई क्लाइंट इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हमारी मशीन भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो सबकी रिपोर्ट के हिसाब से ये 4200 तक एवरेज हमारी कैलोरी वैल्यू के अंदर आती है।
और ये पैलेट अब डायरेक्टली हम लोग इसको ठंडा करके पैक कर सकते हैं, यानी कि वायोबेटर को कूलिंग करके हम इसको आराम से पैक कर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो जो मेन पार्ट है इस पूरे मशीन को चलाने के लिए वो है कि पैलेट मशीन, अगर एक पैलेटाइजर बढ़िया है तो आपका आसानी से सॉडस्ट का पैलेट बन सकता है। और इसकी लेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेंथ वेरिएबल है, मोस्टली यही लेंथ काम में आती है, 3 इंच तक की लेंथ में ही लोग प्रेफर करते हैं। MM 8 mm के पैलेट बना सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये जो आसान दिखने वाला प्रोसेस है उसके लिए जैसा मैंने बताया कि आपको पूरे पैरामीटर्स फॉलो करने हैं, मतलब कि मॉइस्चर कितनी है, उसके अंदर प्रॉपर बाइंडर, प्रॉपर ऑयल का ऐड होना, तभी जा कर के एक प्रॉपर जलने योग्य प्रॉपर कैलोरी वाला सॉडस पैलेट बनता है। तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आशा है कि आप इस पूरे प्रोसेस को समझने में कामयाब होंगे। दोस्तों इसके अलावा भी आपकी कई क्वेरीज हो सकती हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, हमारे अपने क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम उसका जवाब देंगे। साथ साथ हमारा जो नंबर है 7073642737, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे किसी भी फैक्ट्री पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी या कोटा फैक्ट्री पर आकर मशीन का 1-to-1 ट्रायल दे सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले कई साल बायोमास पैलेट को इंडिया में स्थापित करने के लिए जाना जाएंगे। अगर आप किसी भी तरह से बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो देर मत कीजिए, सही समय है, अपने कदम बढ़ाइए हमारे फैक्ट्रीज की तौर, और आप आसानी से बायोमास पैलेट मशीन को लगा करके 3 से 4 रुपये किलो का मार्जिन कमा सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको अपने कदम बढ़ाना हमारी फैक्ट्री की तरफ, और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ साथ हमारी वीडियोज़ को काफ़ी लोगों तक फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस बारे में एजुकेट हो पाएँ। Thank you so much for liking this video. Thank you for subscribing our channel. Thanks so much.